नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए लेसन में। ये प्यारा सा गिफ्ट जो है ये स्पर्श जैन ने बनाया है और बहुत ही प्यारा है, अपने हाथों से क्ले से बनाया है। और ये देखो, ये मेरा फेस है, फिर ये पीछे एकेडमी का लोगो भी बना दिया है, मस्त रहो मुस्कुराते रहो ये भी बनाया है। बहुत बढ़िया स्पर्श, आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद और थैंक यू यार, मज़ा आ गया। आज से आपको मेरे लेसन में नोटेशंस भी मिलने वाले हैं और इसका कारण यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं और उन्हें नोटेशन की सच में आवश्यकता है। तो फिर मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता ना कि आप सुन सुन के सीखिए जिससे आप भविष्य में खुद से संगीत निकाल सके, लेकिन आप लोगों में से जो भी यंगस्टर्स हैं मैं उनसे ज़रूर कह सकता हूँ कि नोटेशंस का इस्तेमाल कम से कम करना है। मेरे पास ई बेस की बांसुरी है, आपके पास जो भी बांसुरी हो आप उसमें बजा सकते हैं, छोटी या बड़ी। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले म्यूज़िक आता है फ्लूट का, हाँ तो उसके स्वर क्या है, मेरे साथ गाओ, हाँ मेरे साथ गाना है, कमान। प मा ग मा प सा प म ग मा, मेरे साथ गाओ, हाँ अभी लिखो मत, गाओ। प मा ग मा प सा प गाओ, प मा ग मा प सा प गाओ, प मा ग मा प सा प, अरे गाओ, प मा ग मा बराबर, थोड़ा मस्ती में। प मा ग मा प सा प म ग मा, प मा ग मा प सा प म ग म ग सा मगमा गसा। ओके, ये स्टार्टिंग का म्यूजिक है। टैंग 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 ता ता रा रा ता 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 ता। अभी सागर मग ग क्या है, सागर मग ग दिल है छोटा सा, हाँ अभी लास्ट में जो मैंने बहुत रफली मारा है ना, ये केवल अभी बता रहा हूँ बेसिक, अब थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा बीच बीच में। हाँ रे प म ग ग सा ग रे म ग ग रे प म ग ग वा, बीट में मेरे साथ गाओ, पहले पहले गाओ, प्ले नहीं करना गाना है। 1 2 3 4 1 2 3 सा ग रे म ग ग रे प म ग ग दिल है छोटा सा, मेरा बात बड़ा है, छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की तद तद ता ता, हाँ सेम लाइन से। मस्ती भरे तो न सा सा ग रे म, उसमें हमने आकार यूज कर लिया। हाँ रे रे मा ग, और जो हम जो स्वर हम रिपीट कर रहे हैं उसमें हल्का सा टंग का स्ट्रोक सॉफ्ट, देखो टंग के स्ट्रोक के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कुछ हार्श होते हैं तो हमें सॉफ्ट यूज करना है। फिल्मी सॉन्ग्स में अधिकतर हम सॉफ्ट यूज करते हैं। जब जवान जो है ना, सुनो ध्यान से, बहुत बहुत काम की बात है, जवान को दांतों से बाहर नहीं निकालना है। हाँ तो सुनने में सॉफ्ट लगना चाहिए। हाँ प पधा प प पधा प प पधा पधा धानी कोमल नहीं आएगा। ये देखो मेरी अंगूठी, दिख रही अंगूठी है, मेरे कैमरे ने फोकस किया अंगूठी पे, क्या लिखा है इस पे एक बार कमेंट बॉक्स पे लिख दो यार जो दिख रहा है। हाँ प पधा पधा धा धानी धानी नी कोमल नी कोमल नी, ध्यान रखना हाँ, शुद्ध नहीं है कोमल नहीं है। तो प पधा पधा धा धानी धानी नी धानी धा प, अब थोड़ा सा और डिटेलिंग। प पद प पद पधा
और टंग भी साथ में चल रही है। धा धानी धानी नी। हाँ हाँ देखो, और एक और मस्त चीज बताता हूँ। बहुत देखा फिंगर, ता 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 धा सा नी धा ध सा नी धा ध सा नी धनी ध सा नी धा नी नी धा नी धा प। नानी धापा धापा में एकदम से फ्लोइंग को बहुत सॉफ्ट कर दिया। हाँ, और हल्का सा मींड चल रहा है, ये मींड। पधा पधा पा मा मा गमरे गमरे अस ता 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 दा 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 ता 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 ता। रे पा मा गा गा मगरे था लास्ट में, मगरे सा लास्ट में आता है। हाँ, अब पूरा यहाँ तक दिखा रहा हूँ एक बार आपको सैंपल बजा के। मगर था स्पीड में। हाँ, फिर वापस यही पैराग्राफ रिपीट करना है। अब इसका अंतरा सीख लेते हैं। ओके, महक जा गगा पा गरे जा गगा पा गरे जा महक जाऊं मैं। हाँ, गगा पा गरे जा ख्वाब तो ऐसे सारे गमा रे गरे सारे गा मारे गा रे सारे गा मारे गा रे गा गा पा गरे जा सारे गा मारे गा रे। हाँ, फूल बगिया गा पा 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 गरे जा सारे गा मा गरे। यही रिपीट करना है फिर। ता बादलों की मैं तारा रा 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 रा। क्या म्यूजिक बनाया यार रहमान सर ने, यार मजा आ गया यार। आजकल ऐसे गाने कहाँ बनते, सही बोल रहे हो ना। कमेंट बॉक्स में लिखना आपकी राय क्या है आजकल के सॉन्ग्स के लिए। ओके, उसके बाद ता ता दा 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 बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया। तो साधा पधा धा साधा पधा धा, फिर शुद्ध नहीं, धनी सारे धा धनी सारे सानी ओढ़ू चुनरिया धनी सारे सानी धनी सारे सा सानी धनी सारे सानी। फिर रिपीट, सा धा पा धा 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 धनी सारे सानी। हाँ, अपनी चोटी में पसा नी धा पा मा गमरे पसा, फिर कोमल नी, पसा नी धा पा मा गमरे रे पा मा गा गा मगरे था रे पा मा गा गा मगरे था। ओके, कैसे मैं मीन कर रहा हूँ, मीन करना सीख जाओ, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है ना।
समझे। अब दोस्तों मैं पूरा गाना बजाऊंगा ना तो मुझे कॉपीराइट लग जाता है। वैसे इतने से लेसन में मैंने आपको सिखाया है ना, तो इसके अंदर भी मुझे वो कॉपीराइट आ जाएगा कि आपने इस धुन को इस्तेमाल किया है। क्या करें अब यार, मानते ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों समझ गए ना, अभी इसको वापस से देखना है ना, नोटेशंस का यूज़ आपको नहीं करना है, केवल बुज़ुर्ग स्टूडेंट्स को के लिए है वो, ठीक है, जिनको बहुत आवश्यकता है। लेकिन यंगस्टर टीनेजर सुन सुन के ही तैयार करना है, तभी खुद से निकालना सीख पाओगे। हमने अगर नोटेशन का इस्तेमाल किया होता तो हम आपको ऐसे सिखा नहीं रहे होते, हम प्रोफेशनली नहीं बजा रहे होते, हम खुद से गाने नहीं बनाते, ठीक है। हमारे गुरुजी ने भी नहीं किया, उनके गुरुजी भी नहीं किया, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसलिए अभी तक मैं उसको अवॉइड करता था, मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान भी किया है उसके चक्कर में। हाँ, क्योंकि बहुत हज़ारों लाखों बच्चे जो है वो नोटेशंस के पीछे मेरे पास नहीं आते कि सर आप देते ही नहीं हो, आपको सिखाना नहीं आता। लेकिन किसे सुनाऊँ तेरी गज़ल, इनकी गली में किसी के मकान का दरीचा खुला ही नहीं, दरवाज़ा खुला ही नहीं, आहा आहा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और समर कैंप, ऑनलाइन समर कैंप है, बहुत सारा 45 डेज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी हैं बहुत सारी उसमें, फीस भी बहुत कम है। तो फिर आ जाओ ना, जल्दी से एडमिशन ले लो, अपने दोस्तों को भी दिलवा दो, साथ में सीखो संगीत, हाँ, केवल 45 डेज के लिए। चलो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एकेडमी का नंबर है, उनसे आप संपर्क करिए, कैसे एडमिशन लेना है। मेरे म्यूज़िक की किताब चाहिए हिंदी वाली, तो उसमें भी आप सीधे एकेडमी को भी फ़ोन कर सकते हो, या फिर अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हो, जैसा भी आपकी सुविधा हो। और अंग्रेज़ी किताब मई के अगले महीने में आने वाली है। ओके, आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, मेरा भी आशीर्वाद बना रहेगा। मस्त रहिए, मुस्कराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।